press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. My character is loosely based on my, and basically this is something that happens to all of us in one way or the other. When we go to somewhere new where we don't belong or where we are not originally from, this is what we face. It's racism is a very harder word, but the thing is how people don't accept you readily. This shows how we struggle, and we struggle for acceptance and we win in the end. जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ा मुझे बहुत एकदम से खुद का स्टोरी एकदम से मुझे फैमिलियर सा लगा. मुझे लगा कि आई कैन डू दिस विदाउट विदाउट एनी हेजिटेशन. द होल सीन वाज क्या बताऊँ. प्रैक्टिस तो बहुत किया एक्चुअली. द थिंग इज हमारा करीब डेढ़ महीने का थिएटर वर्कशॉप था वेयर मी एंड शिष्टि एंड ऑल द अदर को एक्टर्स वी वर्क टुगेदर एंड वी रिहर्स एवरी सिंगल सीन अगेन एंड अगेन बिफोर इट वॉज परफेक्ट. वैसे अगर देखा जाए तो रिवर्स हुआ है. पहले ये मूवी हुई थी कई साल पहले एंड उसके बाद फिर आई एंटर द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन. बट ये एक अलग फीलिंग है. दिस इज़ लाइक अ बेबी बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट. मेरा लुक्रम दोनों का ही फर्स्ट था एंड हमने मोनीश सो ही गेव अस वर्कशॉप्स. आई थिंक जो वो वर्कशॉप्स हुई थी दैट मेड मी इवॉल्व एज एन एक्टर एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न इट हेल्प मी आई थिंक टू बिकम हु आई एम टुडे. और ये मूवी बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है. लाइक लुक्रम सेड आई थिंक ये हम सबके साथ ही कहीं ना कहीं होता ही है. यू फील आउट ऑफ प्लेस. आपको ऐसा लगता है बिलोंग नहीं करते और किसी को ऐसा लगना नहीं चाहिए. आई थिंक वीर ऑल एज ह्यूमन्स वीर ऑल वन एंड वी शुड ऑल ट्रीट ईच अदर लाइक दैट. सो ये मूवी आई थिंक बहुत लोगों को दिल पे छुएगी. बहुत लोग इसे कनेक्ट कर पाएंगे एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. देखिए अभी इट्स लाइक यू आर आस्किंग मी टू चूज बिटवीन पिज्ज़ा एंड पास्ता. बट आई थिंक दोनों मीडियम्स का अपना अपना एक यू नो बेनिफिट है. अपना अपना एक रीच है. अपनी एक ऑडियंस है एंड एज लॉन्ग एज हम अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं और वी गिविंग द ऑडियंस द राइट मैसेज इट डजेंट मैटर विच वेदर इट्स द टेलीविजन और इट्स बॉलीवुड. एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद सच अ फिल्म जो इतना अच्छा मैसेज दे रही है ऑडियंस को. द मैसेज आई वांट टू गिव इज ओपन अप. लाइक जस्ट बिकॉज दूसरा बंदा हाथ नहीं आगे करता डजंट मीन यू कांट डू इट. लाइक इफ यू टेक वन स्टेप अगर एक कदम आगे करोगे तो दूसरा बंदा जरूर आगे कदम बढ़ाएगा. बेसिकली mindset have will change. We're hoping and I hope this sends a very powerful and positive message for all of us for the future. Thank you so much. This film is a message to the entire country that we live in a very diverse country. We have to celebrate the diversity. And I myself as an actor in Mumbai from past 5 years I have seen all the struggles, you know, not fit, you don't look Indian enough, you know, all those kind of thing. I have come across all those stuff. So it is a high time in the Indian cinema that even though we are 100 years of Indian cinema, there is a lot, bahut kam hota hai, you know, there is a little bit of diversity. So we have to celebrate that. We have to enjoy. We should love the colors and the diversity of India. That's what the film penalty is all about. You know. मैं क्या बताऊँ. मेरा छोटा सा रोल है बट मुझे बहुत खुशी हुई इस फिल्म में काम करके. और टीम भी बहुत अच्छी थी. सबके साथ मस्ती शूट के टाइम में बहुत. और एट्स अप टू बॉयज बिकॉज इतनी धूप में इन लोगों ने शूट किया है. सीरियसली. बट बाकी सारे बॉयज़ ने बहुत मेहनत की है. हम गर्ल्स तो फिर भी वैनिटी में रहते थे. और मेरा फर्स्ट डेब्यू है फिल्म में. सो ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ. और आई होप सो कि पिक्चर अच्छी हिट हो जाए. थैंक यू सो मच.